मेरे को दोनों नीचे लगते हैं। एंगल देखा है पत्थर का, सपोर्ट को घूम कर मुझे सपोर्ट दिख रहा छोटा सा। एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस सुबह के बज गए 7 और मैं जा रहा हूँ आज ट्रैकिंग के लिए नागपुर से अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। लोकेशन है सेवन सिस्टर्स हिल्स। सो अभी हम लोग निकल चुके हैं, मेरे साथ है मेरे कुछ फ्रेंड्स। सो गाइस व्लॉग को एंड तक देखना क्योंकि काफी ज्यादा अमेजिंग व्लॉग होने वाला है। सो लेट्स रोल। यहाँ पे रुके हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे हमारी मेन लोकेशन पर जो कि है सेवन सिस्टर्स हिल्स पिज्जा करना। कितना टाइम लगेगा यहाँ से जाने में अंशु? 45 मिनट के आसपास। 45 मिनट लग जाएगा, डिपेंड करता है रोड कितना खराब है। मारा था जब भी इंसान पानी देखते उस पर कुछ जाया करता था, पर अब वक्त बदल चुका है। तो यार अभी हम पहुंच गए सेवन सिस्टर्स हिल्स और हमारी ट्रैक की शुरुआत हो चुकी है। जोड़े कर बेटा, जोड़े काटूंगे पहले। चलो जो पीछे आपको गेट दिख रहा होगा हमने वहां से शुरुआत करी है और अभी हमें ऊपर तक जाना है तो ट्रैक थोड़ा मुश्किल है, पर स्टार्टिंग में यहाँ पे स्टेयर्स हैं तो इतनी कुछ प्रॉब्लम हो नहीं रही है। सो अभी देखते हैं और ट्रैक आगे कंटिन्यू करते हैं। यो चलो चलते हैं। बहुत बोर से जा रहे हैं। हाँ काफी ज्यादा सही जगह सही है पर है ना, आसपास एकदम घना जंगल। स्टार्टिंग में यहाँ पे थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ थी पर उसके बाद अभी पूरा प्योर ट्रैक है, यहाँ पे बिल्कुल भी सीढ़ियाँ नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ी थकावट होने लग गई है। मतलब इतना प्यार। और अजय भाई बढ़िया व्लॉग चल रहा है। वही पहला ब्रेक, कुछ बंदे थक गए। अंशुल नहीं थका भाई? अंशुल नहीं थका? चल नहीं, हम भाई हम नहीं थके। मैं भी नहीं थका चुका है। मैं भी नहीं थका, मैं थक गया भाई। और मैं भी नहीं थक रहा हूँ। यश तो थका ही नहीं, देखो जरा कंटिन्यूअसली चल रहा हूँ। वो तो कह रहा है कि पूरा सामान खुद अकेला उठा लेगा। उठा भी रहा हूँ। चलो फिर आगे। Thank you.
पर आधे लोग पीछे रुके हुए, अभी पता नहीं उन लोगों क्या हो गया। क्या हो गया? यहाँ तक आ देना। अरे एक्चुअली हमारा प्लान है ऊपर मैगी बनाने का, तो उसके लिए हम सिलेंडर और बाकी सारी चीजें लेके आए। पूरी निकाल देंगे, गर्मी काफी ज्यादा हो रही है अभी। स्वेटर निकाल देगी, गर्मी ज्यादा हो रही है अभी। हार्ड है ना, बट द गुड थिंग इज कि ट्रेक इज नॉट द ओनली थिंग व्हिच इज हार्ड। चल मैं और अंशुल तो आगे आगे, बाकी लोग है पीछे। यस ट्रेक सच में मुश्किल है ना, फुहारा व्यू से मुश्किल है ना। हां पत्थर है ना, पूरा लूज पत्थर है यहां पे, लूज पत्थर है, मेन बात ये है। चलो यार कंप्लीट तो करना है, रास्ता देखो यार पूरा पत्थर है, बस स्टार्टिंग में थोड़ी स्टेयर्स है, उसके बाद हमारा सामान भी है। हाँ मेन बात सिलेंडर है, ये सामान और बाकी सारा सामान है, ये सामान है और आधा सामान सामान है लोगों के पास भटा हुआ है, इसमें सामान है और लगभग आधा ट्रैक कंप्लीट करके हम लोग पहुंच गए बेस, जो मेन माउंटेन है उसके बेस के पास में। थोड़ा थोड़ा माउंटेन शायद ऊपर दिख रहा होगा यहाँ कहीं, तो अभी हम आगे और ट्रैक करने जा रहे हैं। काफी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, चलो मन जल्दी है। अभी हम एकदम बेस में खड़े हुए हैं, तो यहाँ से और से गोल घूम के रास्ता जाता है। सो गाइज मैं पहुंच गया हूँ माउंटेन के बेस के पास में, और यहाँ से माउंटेन आपको अगर दिख ही रहा होगा पीछे, तो इसके ऊपर हमें क्लाइंब करना है। तो यहाँ से शायद आधा ट्रैक अभी भी बचा हुआ है, उसके बाद हम ट्रैक को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ होती है, कहते हैं यहाँ पे जो व्लॉग बनाता है वो भटक जाता है। ऐसे ही भटका हुआ हूँ यार, और कितना भटकूंगा भाई। चल रहा है फोटो शूट और इस साइड में है माउंटेन, सो हमें अभी यहाँ से ऊपर तक ट्रैक करना है। दो रास्ता है कुछ इस साइड से, इस साइड में ग्रिल लगी हुई है, तो ऐसे कुछ नीचे गिरने की कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो है नहीं। तो जितना भी रास्ता है पूरे साथ में आखिर तक ग्रिल लगी हुई है, ठीक है। इकडे राहत होते का? आता तुम्ही राहता का? नहीं टूट रहा रहते थे और एक भाई। ऐसा नहीं था तो सात पर्वत है क्या? अरे ऐसा नहीं था, वो सात बहनों को यहाँ पे छोड़ के चले गए थे। हाँ। एक भाई था तो उसको लेके चले गए। अभी हम देखने के लिए जा रहे हैं नजारा इस साइड से। गाइस हम पहुंच चुके हैं लगभग टॉप पर, पीछे का नजारा कुछ ऐसा है। थोड़ी सी ट्रैक और बाकी है जिसके बाद हम पहुंच जाएंगे एकदम ऊपर पीक पर, तो यहाँ से भी अच्छा खासा व्यू हमें मिल रहा है।
टॉप पर, टॉप की तरफ जाते हुए। अंशुल कितना टाइम और बचा है अभी? मैक्सिमम 5। चलो फिर नज़ारे का मजा लेते हैं। हाय सर, एंगल देखा पत्थर का? सपोर्ट तो देख सिर्फ, सच में टावर पीछे से भी ज्यादा है। वो देख सपोर्ट, देख सपोर्ट को घूम कर, वो देख सपोर्ट दिख रहा छोटा सा पीछे पत्थर, सिर्फ इतने से सपोर्ट पे टिका हुआ है, छोटे से पत्थर पर। और ये हमारे फिटेस्ट ट्रैकर ऑफ द डे अजय शर्मा, शर्मा जी का लौंडा यूजुअल। हेलो, बनो देखो लड़का भी कोई खास पीछे नहीं है। अंशुल ने काफी बड़े बड़े ट्रैक किए हैं। हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं। सर फाइनली हम माउंटेन के टॉप पर आ चुके हैं, मेरे दोस्त पीछे। हाउ इज जोश? हाय सर, से मुझे बोलना चाहिए था वैसे। सो गाइस अभी मैं खड़ा हूँ सेवन सिस्टर हिल्स के एकदम टॉप पर, एंड लुक एट द व्यू। निकले मैगी बनाने के लिए, कोई अच्छी सी जगह ढूंढने के लिए जहाँ पे थोड़ी छाया हो। ये भोले बाबा की एक मूर्ति, सही है। हर हर महादेव। मेरे फ्रेंड्स बना रहे हैं मैगी, ये लोग बनाएंगे, मतलब हम खाएंगे, हम खाएंगे, हम खाएंगे। ये अपने दोस्त, रणशुल कैसा लग रहा है भाई ट्रिप में? तो खाना बना रहा यार। अब मैंने अपना पार्ट टाइम शिफ्ट को काम दे दिया है, वही करना पड़ता है ऑटो पायलट पे जब काम अपना ना होता। बच्चे नहीं है अभी भी मैगी इकड़े केड़ा का भी। शेफ का नाम वापस बोलिए भाई, क्या नाम है? अमन बंड नाम है। अमन बंड भाई, पूरी मैगी, पूरी मैगी बनाई है अमन अंशुल ने भाई। ये मैं हूँ मेन शेफ, ये मेन शेफ है, पूरी डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। सो गाइस अभी हम लोग निकले हैं माउंटेन को एक्सप्लोर करने के लिए। अभी हाँ व्लॉग तो
काफी ज्यादा बढ़िया व्यू है, पीछे दिख रहा होगा एकदम पत्थर ही पत्थर और एक अमेजिंग सा व्यू। पथरीली जगह काफी ज्यादा है, ये व्यू है जैसा आप यू कैन सी। अभी 4 बज गए हैं और अभी हम लोग उतर रहे हैं नीचे पूरा ट्रिप खत्म करने के बाद, तो धीरे धीरे नीचे चलते हैं। सो गाइस हम लोग ट्रैक कंप्लीट करके आ गए हैं नीचे फाइनल गेट के पास जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से शुरुआत की थी हम लोगों ने।